अच्छा रहता भी है और अच्छा बहुत लगता भी है जब आप सुबह वॉक करने के लिए आते हैं ना, तो पॉजिटिविटी से भर जाते हो, चिड़िया की आवाज़, गिलहर की आवाज़। एंड आज है एकादशी, राधे राधे। एंड मेरा और चेतन का फास्ट भी है। मेरे लिए तो फिर भी चलो, घर पे रहती हूँ मैं को इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता, ना इतनी भूख लगती है, ऐसा कुछ होता है। बट कभी कभी मुझे लगता है चेतन के लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ना चेतन जाते हैं ऑफिस, ठीक है, और फिर ऑफिस जाने के बाद में उनका जॉब है माइनिंग, चेतन की जॉब माइनिंग में है, तो इन्हों उनका धूप में बाहर में ही काम होता है, कभी घूमना भी पड़ता है। माइनिंग में है तो चेतन जब पास करते तो मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है, क्योंकि वो इन्हों धूप में उनको कभी घूमना भी होता है, और जॉब पे जाना इतनी दूर माइंस में, यार वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कभी मिस नहीं करते। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि चेतन की टिफिन में मैं क्या पैक करती हूँ एकादशी को, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं चेतन का टिफिन पैक कर रही हूँ आज का। यूजुअली वो नहीं लेके जाते हैं क्योंकि माइंस पे लंच होता है उनके, बट आज क्योंकि एकादशी है तो मैंने उनके लिए पैक किए ये दो टाइप की नमकीन, जो कि फलाहारी आती है, और ये जो कप आता है, जो ग्लास आता है ना प्लास्टिक का एयर टाइट, उसमें मैं हाफ दही डालूंगी, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, और डालूंगी बाकी का पानी। इतना सा पानी डालूंगी, फिर इसमें मैं डालूंगी शुगर, पाउडर शुगर मैं 2 चम्मच तो डाल दूँगी घर के, ताकि थोड़ा मीठा हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, थोड़ा सा ग्लूकोज मिलेगा तो अच्छा लगेगा बॉडी को। मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है शुगर, अब मैं इसको कर दूंगी मिक्स। मैंने इसमें चीनी मिक्स करके थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है, कि मैं सोच रही हूँ इसमें बर्फ डाल दूँ, आइस क्यूब रहेंगे ना तो थोड़ा ठंडा रहेगा जब चीतन पियेंगे, तो मैंने इसको आइस क्यूब डाल दिया और उसको कर दूँगी पानी। ये भी अपना पूरा सामान रख दिया, इसको देंगे पैक। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे याद आया कि जब लास्ट एकादशी और उससे उसके बाद में मैंने व्लॉग्स डाले, 2 व्लॉग्स एकादशी पे, तो उस पर मुझे ना DMs आते हैं कि ना आप कैसे स्टार्ट किया, आप कैसे कर लेते हो, और अभी क्या करना ज़रूरी है, बाद में कर लेते, या फिर ये सब सारे ऐसे खूब सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो मुझे लगा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो मेरे फ्रेंड्स भी इवन दो मुझे कॉल करते तो बोलते अरे अभी क्या साधु बन रही है, बाद में कर लेना, बट मैं खुद मतलब इसी जनरेशन को मुझे लगा कि हाँ ठीक है बाद में भी कर सकती हूँ, अभी करने की क्या ज़रूरत है, खुद से क्वेश्चन किया था, फिर लगा यार जब कल का ही हमें पता नहीं है, तो हमें यही पता नहीं कि हमारा कल होगा कि नहीं, तो हर चीज़ हम बात पे तो नहीं डाल सकते ना, तो फिर इसी फ्लो में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, तो हमने स्टार्ट किया। और स्टार्ट हमने ऐसे किया था ना कि हम लोग गए थे अराउंड 6-7 मंथ्स पहले हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल, मैं और चेतन, और उस टाइम हमें शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हम लोग जब वहाँ पर गए, हम लोग वहाँ पर मंदिर में जब बैठे थे, हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अराउंड 2-3 घंटे,
हम लोग वहाँ मंदिर में बैठे थे और वो मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। इतनी शांति कि मैं उसको कभी, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। एकदम शांति, एकदम मन शांत, हम सब बैठे हैं, कुछ भजन या कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, बट एकदम शांति से बैठे थे। तो वहाँ पे ना बहुत सारे गुरु थे और इवन दो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी थे बहुत सारे। काफ़ी बड़ा टेम्पल है, अगर आप लोग बैंगलोर जाओ तो प्लीज़ जाना। तो वहाँ पे ना एक गुरु से मैंने पूछा कि आप मतलब घर में हमें इतनी शांति क्यों नहीं मिलती। तो वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल से स्माइल के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने मतलब एक बात बोली कि डिड यू एवर ट्राई कृष्णा चैंटिंग। तो मैंने कहा नहीं, कृष्णा चैंटिंग, हरे कृष्णा हरे रामा तो मैंने कभी चैंट नहीं किया था सीरियसली। तो मैंने बोला नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर घर आने के बाद में नेक्स्ट डे से मुझे लगा कि चैंटिंग एक बार स्टार्ट करते हैं। तो अब इतना टाइम नहीं कि बैठ के आप चैंट करो, और सीरियसली आज भी इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के पूजा कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह फ़ोन उठाया, ऑन किया यूट्यूब और उसमें हरे कृष्णा हरे रामा की मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। वो मतलब एक घंटे अगर हम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं तो मतलब चलती रहती थी। और वो जब फ़ोन में चलती है ना तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो जो चैंटिंग होती है ना वो चलती रहती है उसी रिदम के साथ में। तो वो सब चल रहा था और मतलब धीरे धीरे फील होने लगा कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो सुनने के बाद में। हम लोग रात में वो चलाते थे, दिन में जब हमारा संडे वगैरह होता था दिन में चलता था। तो एकदम पॉजिटिविटी से हम लोग ना एकदम मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से आने के बाद में। फिर एक दिन ऑल ऑफ सडन चेतन के पास मैसेज आता, ऑल ऑफ सडन नहीं, ऐसे चेतन से इस्कॉन टेम्पल के ग्रुप में ऐड हुए थे। तो वहाँ से एकादशी के पहले दिन मैसेज आया कि कल से एकादशी है, इस टाइम पर व्रत स्टार्ट है, इस टाइम पर व्रत यू नो आपको उपवास तोड़ना है जो भी है। तो फिर चेतन ने बोला कि उपवास करते हैं। मैंने तो, क्योंकि मेरे घर में, मेरे मायके में मेरी मम्मी और मेरा दादाजी हमेशा से फास्ट करते एकादशी का, तो मुझे पता था थोड़ा टफ होता है। तो मैंने चेतन को बोला कि थोड़ा टफ होता है, नहीं कर पाएंगे, ऑफिस टाइम में भी आप कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला कि चल देखते हैं, हो जाएगा करते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है करते हैं, और हमने किया और लिटरली हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से हमने तो स्टार्ट कर दिया अपना, हम हर एकादशी को फास्ट करने लग गए। ज़्यादा कुछ यू नो खाने पिए बिना भी रह सकते हैं अपन, सिर्फ ऐसा सोचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी बिजी लाइफ है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। वही मेरी लाइफ चल रही है अब, थोड़ा यहाँ आके थोड़ा फ्री हो गई हूँ, पर एकदम पैक टू पैक शेड्यूल रहता है, अभी ये करना है अभी वो करना। उसमें भी चैंटिंग सुनते रहो, सुनने से भी ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मेरा ना ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको बोलूँगी कि आप फास्ट नहीं कर सकते हो मत करो, आप एक बार चैंटिंग सुन के तो ट्राई करो, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो मेरा ये बेस्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने स्टार्ट किया। और अब मुझे लोग पूछते हैं, बोलते हैं, तो यही बोलती हूँ कि नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करके देखो। और एकादशी का व्रत करने से आप फिज़िकली फिट रहते हो, मेंटली आप फिट हो जाते हो, तो फिर और क्या चाहिए। आज के टाइम में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र मैंने नहीं खाई, और ये बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई मैं तो मुझे, पर मैंने इतने से टाइम में ये सीख लिया है कि पैसे आपको शांति नहीं दे सकते। जॉब कर लो, पैसे कमा लो, यही टाइम है जॉब करने का, पैसे कमाने का, मेहनत करने का, भाग दौड़ करने का, सबका यही टाइम है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पाथ और यू नो ये जो व्रत और ये उपवास और जो भी आप करना चाहते हो उसका भी यही टाइम है। आप बूढ़े होके शायद आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी, शायद आप उतना यू नो एनर्जेटिक फील नहीं करोगे कि आज मैं फास्ट नहीं कर सकता, आज मेरी ये दवाई चल रही है, आज मेरी वो दवाई चल रही है। तो सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मैंने तो यही सीखा है, टाइम वैसे ही चल रहा है, काम वैसे ही चल रहा है, सब कुछ भागते दौड़ते सब करते हैं, पर उसमें उपवास भी कर लेते हैं। और कृष्णा चैंटिंग तो रोज़ हमारे घर में होती है। अभी यहाँ आने के बाद तो मैं खाना बनाते टाइम सब टाइम सुनती रहती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल तो यही रहा है कि बहुत 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 अमेजिंग रहता है। आप लोग भी ट्राई करो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, ट्राई करो। अगर आप लोग टेंशन में रहते हो या फिर कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो लगता है, कुछ भी लगता है, एक बार कृष्णा चैंटिंग करो, सब मस्त हो जाएगा।